जो भी आप इस वीडियो में देखेंगे वो बच्चे लोग के लिए नहीं है, तो बच्चे कृपया करके इस वीडियो से दूर रहिए। तो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज का अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूँ। तो क्या है कि रिसेंट में यूट्यूब ने मेरे बहुत सारे वीडियोस मेड फॉर किड्स कर दिए है, इसी वजह से थोड़ी सी ग्रोथ कम हो गई है। तो यार ये तो बहुत सही सही बात है और ये कन्फर्म हो चुका है कि यूट्यूब का काला साया हमारे चैनल पे पड़ चुका है। और फिर यूट्यूब की माँ फैमिली चैनल है, हम नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पर यूट्यूब बहुत ही पागल हो गया है, एकदम सनकी जैसा हो गया यूट्यूब। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, हमारे बहुत प्रशिक्षित और ऐसा कोई शब्द ही नहीं है यार घंटा, हमारे बहुत ही जबरदस्त बेब्लेड चैनल जो है हमारे बे लेगेसी, उनकी भी यही शिकायत है। तो यूट्यूब शायद से कुछ ये चीज के बारे में ध्यान दे। मतलब अभी यार अभी के लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, थोड़ा फार मेरी सबसे एकाध दो माइल्ड वाली दे देंगे वीडियो में तो उससे हमारा चैनल बच सकता है। और क्योंकि क्या है ना किड्स, मतलब यार जिस दिन गिल्टी लॉन्गिनेस घुस जाना है ना हाथ में और खून निकलना है ना बच्चे के, उस बार उस दिन समझना है बच्चों को कि यार ये मेड फॉर किड है नहीं, मतलब क्या क्या करना क्या चाहते हो, कटवा देगा तुम्हें पूरा का पूरा। तो यार इसी के साथ बस आज का इंट्रो इतना ही है, बट आपको प्रॉब्लम समझ गया, मतलब वो जो कम्युनिटी पोस्ट था वो एक्चुअली उसका सॉल्यूशन यही है कि वीडियोस मेड फॉर किड्स नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा यूट्यूब का काला साया और हमारे नाश का शुरुआत, बट कोई बात नहीं, आज के अनबॉक्सिंग की ओर बढ़ते हैं। तो ये पार्सल हमारा माल है जापान से आया हुआ, और माल का मतलब आप सब जानते ही है तो बताने की कोई जरूरत नहीं। यार बच्चे भी गाली देते हैं यार, और क्या ये मेड फॉर किड्स का नाटक ला के रखा है मालूम नहीं, मैं देखता हूँ यार दूसरी तीसरी के बच्चे गाली देते हैं और यहाँ पे हम मेड फॉर किड्स का झंडा लहरा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो यार देखते हैं अनबॉक्सिंग में, हमारे पास ये तो वॉल्यूम 28 है, यस वॉल्यूम 28 का एक बॉक्स ऐसा अलग क्यों है, फिर उसके बाद ये भी वॉल्यूम 28 ही है, ये भी वॉल्यूम 28 ही है, और ये क्या है, ये है ओहो, ये बहुत ही प्यारा चीज है, ये आपको मैं खोल के दिखाऊंगा। ये बेसिकली वॉल्यूम 28 है, थोड़ा सा यार कस्टम्स हमारे मतलब प्यार से नहीं करते चीजें, उनको सब कुछ धड़ करने को बहुत मजा आता है, तो उसमें सारा बॉक्स का कंडीशन की तो एक साथ लग जाती है, आप समझ जाओ क्या लग जाती है। तो ऐसा है कि इसकी वजह से बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ती है हमें। ये देखो कैसे कैसे खोल के डाल दिया, 1, 2, 3, 4 और एक खोल के बाहर फेंक दिया है। तो यार वो तो आपको मालूम ही है क्या है रैंडम बूस्टर वॉल्यूम 28, मैं एक का अनबॉक्सिंग आपको करके भी दिखाऊंगा मेरे चैनल पे, देखते हैं मन करेगा तो। ये वाला चीज बहुत मस्त है, तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, मतलब ट्राइपॉड को नीचे करते, हम नीचे नहीं जाएंगे, हम कहाँ नीचे जाएंगे गलत मत समझो। और फिर उसके बाद इस मस्त पैकिंग को खोलते हैं, यहाँ पे है हमारे पास गैलेक्सी पगासस, यहाँ पे ओहो वाह 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 वाह, एकदम ये लगता है दुकान से आया हुआ है, एकदम ऐसे लटकाने वाले रहते हैं ना वो गैलेक्सी पगासस, गैलेक्सी। फिर उसके बाद हमारे पास है साइट क्रोनोस, ये गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके पास ओहो मीटियो, मैं नीचे यहां पकड़ रहा था कि इतने टाइम से बेब्लेड का बॉक्स, मीटियो एल ड्रैगो LW105LF, और ये बेब्लेड बहुत ही खतरनाक और सनकी है, बट इतना भी नहीं, मतलब ठीक है। ओह लाइटनिंग एल ड्रैगो भी बे लॉन्चर के साथ है पर पेगासस नहीं आता। इसी से पता चलता है कि टाकाराटोमी भी लाइटनिंग एल ड्रैगो को ज्यादा फेवर करती है और पेगासस को नहीं। और फाइनली हमारे पास है वेरी एरिस, तो यार एक बक्सा इसका भी है, फुल सेट है, मतलब आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 का पूरा सेट है, एक सेल के लिए भी है, अगर आपको मन कर रहा है तो यार जरूर आप मेरे को मैसेज करके वो परचेस कर सकते हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही, ऐसे और तीन और दो पार्सल्स है तो उसके भी अनबॉक्सिंग्स में एक एक करके डाल दूंगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।